जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे इनवेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड कंपनी के बारे में। देखिए इनवेंचर ग्रोथ के बारे में समय समय पर बात होती रहती है। इस कंपनी के नाम में ग्रोथ लगा है, लेकिन ऐसा नहीं कि नाम में ग्रोथ लगा है तो सच में कंपनी का सिर्फ नाम में ग्रोथ लगने से ग्रोथ हो जाएगा। ग्रोथ इसलिए होगा क्योंकि कंपनी के जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट प्लस कंपनी के फंडामेंटल में बहुत बड़ी आपको चेंजेस होते हुए दिखे हैं, जिसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि अब जाकर रियल में जो इनवेंचर ग्रोथ कंपनी है इसमें अब ग्रोथ होने की प्रबल संभावना और इसके चांसेस आपको दिखाई दे रहे हैं। और इसका असर है कि आपको यहाँ पे तेजी भी देखने को मिली है। ये खैर एक दिन की तेजी है, लेकिन चार्ट पर विशेष तेजी आपको बनते हुए दिख रही है। हम लोग आगे इसके बारे में समझेंगे। सबसे जो मेन अपडेट है वो ये है कि कंपनी का राइट इशू आने वाला, राइट इशू को लेकर आज बोर्ड मीटिंग में क्या क्या बातें हुई इसके बारे में समझेंगे। राइट इशू का क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, यह भी मैं आपको इस वीडियो में अपडेट करूंगा। चलिए शुरुआत शुरू से करते हैं। सबसे पहले जैसे आप बीएस इंडेक्स वेबसाइट पर आएंगे तो बीएस इंडेक्स वेबसाइट पर देखिए यहाँ पे इनवेंचर ग्रोथ सिक्योरिटी लिमिटेड को मैंने ओपन किया हुआ है। सबसे पहले तो स्टॉक आपको कोई भी रेड फ्लैग नहीं दिखेगा, ना तो ईएसएम ना ही जीएसएम कैटेगरी में दिखेगा। यानी कि एक अच्छी साइन है कि कोई जिस स्टॉक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं यदि वो किसी रेड फ्लैग में नहीं है तो अच्छी साइन मानी जाती है। यहाँ पर नोटिफिकेशन आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आज के दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग हुआ है 14 जून 2024 को, और इस मीटिंग में तय हुआ है कंपनी के राइट इशू को लाने के बारे में बातचीत की गई है। राइट इशू देखिए कब आएगा, क्या रेशियो रहेगा, कितना पैसा कंपनी से राइट इशू के जरिए जुटाएगी, इसके बारे में जब राइट इशू का मतलब फाइनेंशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा तब हम लोग इसके बारे में नया वीडियो बनाकर आपको अपडेट देंगे। लेकिन अभी के लिए बस ये समझिए कि आज जो बोर्ड मीटिंग हुआ है, बोर्ड मीटिंग में लगभग फाइनल हो गया है कि राइट इशू आने वाला है। राइट इशू कंपनी क्यों लेकर आती है, क्योंकि कंपनियां इससे पैसा जुटाती हैं और उस पैसे का यूज कंपनी अपने विकास के कामों में करती है। क्योंकि कंपनी के पास देखेंगे तो डेप्ट ज्यादा है नहीं, और इस पैसे से जो जुटाएगी राइट इशू से कंपनी पैसे जुटाएगी। और सबसे कमाल की बात है कि ये पैसे कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जिनके पास इस कंपनी के शेयर होते हैं, उनसे ये कंपनियां पैसा लेती है। तो जिन लोगों को मन करता है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जिनको नहीं मन करता है नहीं करते हैं, लेकिन पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो ये पैसा आएगा कंपनी, और कंपनी के पास जब पैसा आएगा तो कंपनी का और भी तेजी से विकास होगा, जिसके बारे में भी कुछ समय पर हम लोग बात कर रहे थे। इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटी लिमिटेड कंपनी के विकास होने का और भी तमाम कारण है। जैसे सबसे पहले देखेंगे तो कंपनी स्टॉक ब्रोकिंग की सुविधा प्रोवाइड करती है और आपको फाइनेंशियल सर्विस से भी जुड़ी हुई कंपनी दिखेगी। स्टॉक ब्रोकिंग कहने का मतलब जैसे आप एंजल वन, आप स्टॉक जीरो जैसे प्लेटफॉर्म का नाम सुनते हैं, वैसे ही एक इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड कंपनी भी है। हालांकि उतना फेमस नहीं है, लेकिन यह भी स्टॉक ब्रोकिंग सुविधा प्रोवाइड करती है। और सभी जानते हैं कि स्टॉक ब्रोकिंग प्रोवाइड करने वाली कंपनियां हमेशा ही प्रॉफिट में रहती है, क्योंकि चाहे आपको लॉस हो प्रॉफिट हो, लेकिन इनका तो ब्रोकरेज बन रहा है। तो इस वजह से ये जो कंपनियां हैं इनको अच्छा खासा कमाई होते रहता है, प्रॉफिट में ये कमियां रहती है। अभी भी जो कंपनी के क्वार्टर्स नंबर आए हैं उसके बारे में मैं आपको दिखाऊंगा, कंपनी को जबरदस्त प्रॉफिट होते हुए इस बार भी दिखा है। उसके पहले थोड़ा सा यदि यहाँ पे फंडामेंटल का डिटेल लें तो तकरीबन 232 करोड़ के आसपास कंपनी का आपको वैल्यूएशन यहाँ पर दिखेगा। जबकि कोई भी पेनी स्टॉक यदि 100 करोड़ से ऊपर है तो लगभग ठीक ठाक उसको समझा जाता है, यहाँ तो 100 करोड़ से काफी ज्यादा इसका वैल्यूएशन है, बढ़िया बात है। रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसी देखेंगे तकरीबन 7 और 9% के आसपास, कमाल का रिटर्न ऑन इक्विटी है। आपके इन्वेस्टमेंट पर इतना रिटर्न साल भर निकाल कर देने का कंपनी दमखम रखती ही रहती है। तो इसलिए आपका इन्वेस्टमेंट है तो आप निश्चिंत रहिए, आपको समय समय पर इसमें नुकसान तो नहीं होगा, प्रॉफिट में ही आप इसमें रहेंगे। जब एक साल के चार्ट पर आप टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो रेंज बाउंड में कंपनी का शेयर प्राइस फंसा हुआ था 2 रुपए से लेकर 2 रुपए 50 पैसे के बीच में, उससे अब जाके ये बाहर निकल गया है। और अब जाके इसके लिए जो मेजर रेजिस्टेंस होने वाला है 3 रुपए का लेवल, जो कि इजिली ये इसको पार कर देगा। यहाँ पे आप देखिए ये धीरे धीरे करके प्राइस ऊपर ही आपको जाते हुए दिखेगा। तो ये जो प्राइस ऊपर जा रहा है इजिली 3 रुपए के लेवल को पार कर देगा। और एक बार 3 रुपए के लेवल को निकाला तो ये जो मेजर इसका है ये तकरीबन 3.80 रुपए के आसपास, इसके डबल आपको यहाँ पे जाते हुए दिखेगा। डबल कहने का मतलब हो गया कि आपको तकरीबन ये प्राइस मान लीजिए 8-9 रुपए तक जाते हुए, बहुत शॉर्ट टर्म में बात करूं यहाँ तक आपको दिख सकता है। तो आपका इन्वेस्टमेंट है और शॉर्ट टर्म में मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आप यहाँ तक ले जा सकते हैं। तकरीबन आपका पैसा इस लेवल तक पहुंचेगा तो डबल हो ही जाएगा। और कोई नया व्यक्ति यदि इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो कर सकता है, कब, जब 3 रुपए के ऊपर इस कंपनी का शेयर प्राइस निकले तब। आप कहेंगे कि इतना महंगा क्यों, अभी क्यों नहीं, क्योंकि अभी भी इसका एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को पार कर जाने दीजिए। जैसे इस रेजिस्टेंस के ऊपर कंपनी का शेयर प्राइस निकलेगा आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। और जिसके पास पहले से इन्वेस्टमेंट है उससे अभी होल्ड ही करना है, क्योंकि अब जाके आपके अच्छे दिन इस कंपनी में आते हुए दिख रहे हैं और आपको और ज्यादा पैसा कमाने का इसमें मौका मिलेगा। क्वार्टर्स के नंबर में जो आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि कंपनी को जबरदस्त सेल्स और जो प्रॉफिट होता है मार्च क्वार्टर के लिए, यानी क्वार्टर फोर में जबरदस्त सेल्स हुआ है। और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए दिखा। नेट प्रॉफिट यहाँ पे देख लीजिए, आपको नेट प्रॉफिट दिखेगा पिछले क्वार्टर में जहां सिर्फ 2.5 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, इस बार बढ़कर तकरीबन 7 करोड़ के आसपास हो गया, यानी कि तकरीबन कह सकते हैं डबल से भी ज्यादा कंपनी को यहाँ पे नेट प्रॉफिट होते हुए दिखाया। ओवरऑल काफी बढ़िया है, कंपनी का फंडामेंटल बढ़िया है। और जैसे मैं बताया कंपनी राइट इशू लेकर आने वाले, राइट इशू ओपन हो जाने दीजिए, फिर उसके बारे में एक फ्रेश वीडियो बनाकर मैं अपडेट दूंगा। लेकिन आप तैयार रहिएगा राइट इशू में अप्लाई करने के लिए, राइट इशू में पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा, आपका ही बेनिफिट होगा और आपका बेनिफिट होगा
कंपनी का भी बेनिफिट हुआ। तो उम्मीद करता हूँ फिलहाल जो जानकारी मैंने स्टॉक के बारे में आपको दी है समझ में आ रहा होगा। मन में कुछ सवाल है कमेंट में जरूर पूछिएगा। मैं हूँ हिमांशु कुमार और हम सब मिलकर एक फाइनेंशियल प्लानिंग की तैयारी कर रहे हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग में हम लोग अपने करियर में एक अच्छा वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट से, उसके लिए हम लोग सदैव तत्पर हैं, उसकी कोशिश और लगातार प्रयास जारी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो धन्यवाद, शुक्रिया।